नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं Lallantop.com। पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये हैं सांसद शरद त्रिपाठी, संत कबीर नगर के सांसद हैं। ये हैं विधायक राकेश सिंह बघेल, विधायक हैं, दोनों भाजपा के हैं, संत कबीर नगर के हैं। सांसद जी के हाथ में है जूता और ये बेचारे पिट रहे हैं। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, बात ये है कि 6 मार्च 2019 को संत कबीर नगर में कलेक्ट्रेट ऑफिस में जिला योजना की बैठक हो रही थी। उसमें सड़क पर एक पत्थर को लगाने को लेकर के, पत्थर पर जो नाम लिखा जाता है उसको लेकर के सांसद जी और विधायक जी भिड़ गए आपस में। सांसद जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने विधायक जी को भरी मीटिंग में जूता जूता पीट दिया। पहले आप वो वीडियो देखिए। अभी तो तुम्हारे साथ कितने विधायकों का पैदा किया, समझे? अब इतनी जब मारपीट हो गई तो वहाँ पे मौके पे पहुँची पुलिस। पुलिस ने दोनों लोगों को अलग अलग किया, विधायक जी को अलग किया, सांसद जी को अलग किया। सांसद जी को डीएम के कमरे में ले जाया गया, फिर चला गया सरकार के पास फोन। वहाँ से जब चूड़ियाँ कसी गई तो और फोर्स लगा दी गई और फोर्स ने विधायक जी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया, ऐसा विधायक जी का कहना है। क्योंकि दोनों लोग आपस में मारपीट कर रहे थे और विधायक जी के जो लोग थे वो कह रहे थे कि हमारे विधायक पर जूता पड़ा है तो हम बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। इससे बचाने के लिए उनको कलेक्ट्रेट ऑफिस में बंद किया गया था और अब पुलिस ने इन पे लाठी चार्ज कर दिया। इसके बाद जब भीड़ तितर बितर हो गई तो सांसद जी को गाड़ी में बैठ करके पुलिस ने रवाना किया। उसका वीडियो आप देख लीजिए। और फिर आया विधायक राकेश सिंह का बयान। उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है ये बहुत ही बुरा है, प्रशासन ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है और सांसद जी के साथ उनकी जनता नहीं है, इसलिए वो सारी खेल हमारे ऊपर निकाल रहे हैं। इसका भी वीडियो है, आप खुद ही सुन लीजिए। जो कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज इस काम में धरने में बताया, प्रशासन ने घोर ही निंदनीय कार्य किया है। क्या हुआ आपके और सांसद में, कहे वो आपको जूता निकाल क्यों मारे, क्या वजह रही? नहीं नहीं, ऐसा है कि कल एक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था सड़क का, नंदौर बासी, उसमें उनको नोटिशन दिया गया था, वो आए भी नहीं। डिपार्टमेंट ने उनको नोटिशन भी दिया था, जिसकी खीज थी उसी को लेकर बहस उनसे हुई है जी। उन्होंने कहा कि जो है उस शिलापट पे नाम या उस तरह के लेकर, नहीं शिलापट पे जो केंद्र सरकार की योजना है उस पे सांसद रहते हैं, आपने रेलवे में भी देखा होगा, हम लोग का विधायक का नाम नहीं है। जो स्टेट का है, जो हमारे निधि का काम है, उस शिलापट पे हमारा नाम होना चाहिए, तो उसमें क्या भी बात है? क्या वजह है कि जो है ये खीज, ये उनकी खीज है, चुनाव में उनको जाना है, जनता साथ नहीं है, कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है, इसकी उनको खीज है। अब वो खीज विधायक के ऊपर उतारेंगे, लोकतंत्र की जो है ये, अब आपसे ज्यादा कौन बता सकता है यार। अब चौथा स्तंभ है और आप हमसे पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र का क्या हुआ? आप चौथे स्तंभ और हमसे पूछ रहे हैं? जिला योजना की बैठक में ऐसा होता है? कोई बात है तो वार्ता करते बैठ के, मैंने तो कहा था कोई बात है मन में तो आप वार्ता कर लीजिए, अलग से बैठ करके तो वार्ता तो किया नहीं। उनको तो बस अंदर का जो वो है खींच, वो खींच बजाय है भाई, किसके ऊपर आदमी खींच उतारता है? दूसरे रूप में उतारता है, खींच किसके ऊपर उतारते हैं? उनको कुछ घबराहट होगी हमसे, इस नाते में उतारा होगा अपनी खींच को। आप इसकी से घबराहट रहेगी उसी के ऊपर आदमी खींच उतारेगा, दूसरे को उतारेगा। क्या लगता है इस पे जो है आप जो अपने साथ मिलेंगे, आप जोगी से मिलेंगे? इससे जोगी से मिलेंगे आप? क्यों जोगी से मिलेंगे जी?
मंच पे जहां बात होगी वहां रखेंगे, मुकदमा दर्ज हो इनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, जो होगा आप स्वयं देखेंगे। सांसद जी विधायक जी को जूता जूता पीट रहे हैं, विधायक जी के लोग कह रहे हैं कि हम सांसद जी को जूता जूता पीटेंगे, लेकिन इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे द लल्लनटॉप वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाता रहेगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, अगर आप इसका यूट्यूब कट देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और गूगल प्ले स्टोर से हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करिए। देखते रहिए, पढ़ते रहिए द लल्लनटॉप.com। शुक्रिया।